विधायिका अपने कर्तव्य निभा नहीं पा रही है उसके लिए विधायिका नहीं दोषी है, इसके लिए कार्यपालिका दोषी है। क्योंकि सत्र बुलाने का अधिकार माननीय राज्यपाल जी को होता है और माननीय राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, और मंत्रिपरिषद का समूह का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बिहार में चाहते ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि सबसे अलोकतांत्रिक कोई व्यक्ति इस राज्य में है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के 243 चुने हुए प्रतिनिधि और सत्ता और विपक्ष के लोग हैं, वो जनता के सवाल पर आते हैं और हम उनके सवालों को हम विधायिका के जरिए विधानमंडल के जरिए पूछते हैं। सरकार असहज न हो, जवाब न देना पड़े, इसीलिए वो सत्र को ही छोटा कर देते हैं और जो सत्र रहता भी है उसमें सवालों को खारिज कर देते हैं, तारांकित को अतारांकित में डाल देते हैं। कई तरह के षड्यंत्र के जरिए विधायिका को पिछले कई वर्षों से काम नहीं किए करने दिया जा रहा है, यह मेरा आरोप है। प्राइवेट बिल भी लाए थे सदन के अंदर उसको नहीं। जी, प्राइवेट बिल जो लाए थे वह कानून सम्मत था, उसमें साफ लिखा है कि किसी भी विधायक को प्राइवेट बिल लाने का अधिकार है, और उस अधिकार का जब मैंने इस्तेमाल किया तो सभा सचिवालय के द्वारा कहा गया कि समय नहीं है, जबकि लिखा है बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के 19 और 20 नियम में कि शुक्रवार का समय प्राइवेट बिल लाने का दिन है और शुक्रवार इस सत्र में पड़ा था, फिर भी हमको नहीं पेश कर। मुख्यमंत्री विधायिका को डैमेज कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में तो सर्वोच्च है ना विधायिका, लेकिन आपके गठबंधन में तो है। ये गठबंधन का सवाल नहीं है, हम विधायक पहले हैं, पार्टियां पीछे हैं, हम लोकतंत्र के प्रहरी सिपाही हैं, विधायिका के सदस्य, पार्टी बाद में है, और स्पीकर तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, वो तो उनके लिए पहली अर्हता होती है कि वो पार्टी के कोई सदस्य नहीं होंगे। तो ये बिहार के 13 करोड़ लोगों के सवाल को लेकर के हम लोग आगे जा रहे हैं, ये कोई पार्टियों का, अगर पार्टी भी देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के तो घोषणा पत्र में है, उनके आर्थिक प्रस्ताव में है कि हम कानून लाएंगे, तो इसमें हमारी पार्टी का कहाँ विरोध है। स्पीकर से भी डिमांड किया, क्या डिमांड? मैं 3 बार पत्र लिख चुका हूँ और जो उन्होंने पत्र लिखा है, जो जवाब दिया है, वो बहुत ही हास्यास्पद है और कानून विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है। इस तरह का जवाब की अपेक्षा विधानसभा सभा सचिवालय से नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बजट सत्र में अपने इस खामी को दुरुस्त करेंगे और हमको सत्र में कानून लाने का चर्चा का विषय। अच्छा, ये बताइए शराबबंदी कानून क्या? शराबबंदी कानून को लेकर, शराबबंदी कानून तो इससे खराब कोई कानून देश में है ही नहीं जो बिहार में शराबबंदी कानून हुआ, इसमें हजारों लोग की मौत, अगर सत्ता संरक्षित कानून के जरिए मौत हो रही है तो दोषी कौन हुआ? जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, इनको अपना दोष स्वीकार करना चाहिए, अपनी विफलता स्वीकार करना चाहिए और तत्काल राहत मुहैया कराना चाहिए गरीबों को और कानून की समीक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो कड़े को नहीं देंगे, मुख्यमंत्री तो धमकी दे रहे हैं लोगों को, विधानसभा में धमकी दिए सदस्यों को कि नहीं, तो इनका काम है, तो इसका मतलब कि वो कोई तानाशाह है क्या? राजाओं के भी राज में इस तरह से व्यवहार नहीं होता था, हम तो लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में कल्पना से परे है कि राज का प्रमुख विधायिका के सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को धमकी देगा।